नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो अपनी राज्य मानवाधिकार आयोग की क्लास चल रही थी, दो क्लास हो चुकी है, हम 15 से 20 मिनट की एक क्लास लेते हैं और एक कमेंट आया था कि आप सारा का सारा टॉपिक एक ही क्लास में करवा दें ताकि थोड़ा सा आसान रहे हमारे लिए। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको क्या मैं टॉपिक पहले करवाऊंगा, वो क्या टुकड़ों में करवाऊंगा, लेकिन जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लाइव सेशन करेंगे, उस पूरे टॉपिक को वापस रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे राज्य मानवाधिकार आयोग का टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लाइव करेंगे और पूरा का पूरा टॉपिक वापस देखेंगे एक ही क्लास में, ठीक है। तो अपन ने पढ़ ली थी धारा 23 पढ़ ली थी और धारा 22 पढ़ ली थी, ठीक है। हटाए जाने का प्रावधान पढ़ लिया, नियुक्ति वगैरह पढ़ लिया, अब आती है धारा 24, ठीक है। जब ये टॉपिक पूरा आ जाएगा तब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे इसके, प्लस हम क्या है पूरा लाइव सेशन करेंगे जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। धारा 24, धारा 24 में क्या आता है, कार्यकाल, ठीक है, कार्यकाल। अब देखो कार्यकाल क्या होता है, मैं आपको एकदम डिटेल से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक एक चीज मैंने खुद ने नोट करके एक्स्ट्रा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जो राज्य लोक से सॉरी राज्य मानवाधिकार आयोग होता है उसके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, तो होता है 3 वर्ष या 70 साल की आयु, ठीक है, 70 साल की आयु, ध्यान रखना 3 या 70 जो भी पहले हो वो मान्य होता है, या तो कोई सदस्य या अध्यक्ष 3 वर्ष तक अपने जो है कार्यकाल पर बना रह सकता है, अपनी मतलब कुर्सी के ऊपर बना रह सकता है, या फिर वो 70 साल की आयु पूरी हो जाती है तब तक, यानी दोनों में से जो पहले होगा वही मान्य होगा। लेकिन क्या हमेशा से यही था, बिल्कुल नहीं था। यह प्रावधान जब लागू हुआ था कब से हुआ, 2019 से, 2019 से लागू हुआ था ये, 2019 से पहले क्या सिस्टम था, तो 2019 से पहले क्या था, 570 था, ध्यान रखना 570, 2019 से पहले, 2019 से पहले क्या सिस्टम था, 570 का था, यानी कि 5 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु, ठीक है, यह प्रावधान था। क्योंकि ये भी पूछ सकते हैं 2019 से पहले क्या था, लेकिन वर्तमान में जो लागू है वो क्या है, 3 वर्ष या 70 साल, ठीक है, या तो 3 वर्ष कार्यकाल पूरा कर ले या फिर वो 70 साल का हो जाए, जो भी पहले होता है वो कार्यकाल माना जाता है अध्यक्ष और सदस्य का, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य दोनों का यहां पर बात हो रही है, अध्यक्ष प्लस सदस्य, ठीक। तो 3 वर्ष या 70 साल की आयु 2019 से ये लागू हुआ है, ठीक है। 2019 से पहले क्या सिस्टम था, तब 5 वर्ष या 70 साल था, ठीक है। पहले अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितना होता था, 5 वर्ष होता था, लेकिन 2019 में जो संशोधन अधिनियम आया उसके बाद में 3 वर्ष कर दिया गया और एक और प्रावधान किया गया कि पुनः नियुक्ति का पात्र बना दिया गया, यानी कोई सदस्य या फिर अध्यक्ष है वो क्या हो सकता है, पुनः नियुक्त हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, पुनः नियुक्त हो सकता है। तो प्रश्न आ जाएगा निम्नलिखित में से क्या सही है, तो पुनः नियुक्त होना क्या मतलब, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य या अध्यक्ष पुनः नियुक्त हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ये कब से स्टार्ट हुआ, ये भी 2019 से हुआ था, 2019 से पहले जो है पुनः नियुक्त नहीं हो सकते थे, 2019 से पहले पुनः नियुक्त नहीं हो सकते थे, लेकिन 2019 से पुनः नियुक्त का भी अधिकार दे दिया गया। मैंने आपको बहुत सारी चीजें पहले भी बताई है कि पहले सिर्फ जो है हाई कोर्ट है उच्च न्यायालय के वो जो चीफ जस्टिस है यानी जो मुख्य न्यायाधीश है वहां से रिटायर्ड व्यक्ति ही क्या बन सकता था, अध्यक्ष बन सकता था, लेकिन 2019 में इसको भी चेंज करके क्या कर दिया गया कि चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या अन्य न्यायाधीश हो वो भी क्या बन सकता है, अन्य न्यायाधीश भी क्या बन सकता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये कुछ चेंजेस हुए थे 2019 में, कुछ 2006 में भी हुए थे जो मैं आपको बताता आ रहा हूं, मेन यही चीज आपको नोट करनी है, ठीक है। तो धारा 24 के अंतर्गत कार्यकाल आता है, कार्यकाल क्या होता है, 3 वर्ष या फिर 70 साल, जो भी आपका पहले हो, लेकिन ये हमेशा से लागू नहीं था, ये 2019 से लागू हुआ, 2019 से पहले जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष या 70 साल की आयु थी, ठीक है। फिर है पुनः नियुक्ति, तो जो अध्यक्ष और सदस्य हैं वो अपनी जो उनका मतलब पद होता है उस पर पुनः नियुक्त हो सकते हैं, ठीक है, एक मिनट। तो ये सारा आपके सिस्टम समझ में आ गया होगा, ठीक है, क्लास जैसे पूरी हो जाएगी हम वापस इस चीज को वापस रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब देखो धारा 24 में और भी प्रावधान है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट। धारा 24, एक तो मैंने आपको बता दिया कार्यकाल कितना है, 70 वर्ष की आयु या फिर 3 वर्ष, ये 2019 से लागू हुआ था, इससे पहले क्या होता था,
इससे पहले 5 वर्ष का कार्यकाल होता था, जिसको 2019 में घटाकर 3 वर्ष का कर दिया गया और पुनर्नियुक्ति का भी अवसर प्रदान कर दिया गया। यानी कि जो है अध्यक्ष पहले क्या होता था, 2019 से पहले अगर कोई मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है, वो उसका मतलब कार्यकाल पूरा हो जाता था, वो अपने जो है पद पर वापस नहीं आ पाता था, मतलब वापस नियुक्त नहीं कर पाते थे उसको। लेकिन 2019 का जो संशोधन अधिनियम आया था उसमें क्या किया, ये प्रावधान किया गया कि अब वापस भी पुनर्नियुक्त भी किया जा सकता है। लेकिन पुनर्नियुक्त तो किया जा सकता है अध्यक्ष को, ठीक है, पुनर्नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन जो अध्यक्ष या सदस्य है ना, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, अध्यक्ष प्लस सदस्य, अपने पास क्या टेबलेट है उसमें थोड़ी राइटिंग का इश्यू रहता है, तो अध्यक्ष और सदस्य है ना, इनको पुनर्नियुक्त तो किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता, मान लो कि कोई सदस्य या फिर जो है अध्यक्ष रिटायर हो चुके हैं अपने पद से, तो वो क्या कर सकते हैं, वो सरकार के अधीन कोई अन्य लाभ का पद, सरकार के अधीन अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, धारण नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि धारा 24 के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति तो क्या है, पुनर्नियुक्ति आप कर सकते हो अध्यक्ष और सदस्यों की, लेकिन सरकार के अधीन आप क्या है, एक बार अगर पद मुक्त हो गए या फिर रिटायर हो गए तो सरकार के अधीन आप अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। माने कि कोई ऐसा नहीं है कि आप वहां पर कोई और मान लो कि कैबिनेट सचिव या कोई भी चीज आपको कुछ बना दिया जाए, जो भी लाभ का पद है वो आप राज्य सरकार या सरकार के अधीन धारण नहीं कर सकते, केंद्र सरकार के अधीन भी नहीं कर सकते और राज्य सरकार के अधीन भी। ऐसा नहीं है कि आप मान लो कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या सदस्य हो, रिटायर हुए, तो आप राज्य सरकार को छोड़कर किसी मान लो केंद्र सरकार में लाभ के पद पर चले गए, ऐसा भी नहीं कर सकते, ना तो राज्य सरकार में ना ही केंद्र सरकार में आप लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन पुनर्नियुक्त हो सकते हो। और इस्तीफा मैंने आपको बताया था कि कल के क्लास अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देखें कि अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है, अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल, उनको पद मुक्त कौन कर सकता है, मतलब पद से हटा कौन सकता है, राष्ट्रपति, खुद अपना जो त्याग पत्र वो किसको दे सकते हैं, राज्यपाल को दे सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने कवर करवाए हैं, और जब ये मतलब टॉपिक अपना पूरा हो जाएगा ना, तब मैं आपको वापस क्या है पूरा का पूरा रिविजन लाइव करेंगे अपन, तब और ज्यादा समझ में आपके आ जाएगा, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा धारा 24 में कार्यकाल के बारे में जो भी लिखा है। अब आती है अपनी अगली धारा, धारा 25, ठीक है, ये धारा भी याद रख लेना। अभी तो आपका क्या है बहुत कुछ क्वेश्चन है जो कवर होते हैं ना, अभी तक मैंने आपको करवाया उनमें से क्वेश्चन कवर होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि जो सदस्यों का क्रम कैसे है, मतलब आज तक जो सदस्य रहे हैं उनका क्रम बताओ, सबसे ज्यादा कौन सा सदस्य रहा है, ठीक है, सदस्य का कार्यकाल, अध्यक्ष की अलग बात होती है, सदस्य का भी पूछ लेते हैं, ठीक है, सबसे कम सदस्य कौन मतलब रहा है, सबसे अधिक अध्यक्ष कौन रहा है समय तक, सबसे कम समय तक अध्यक्ष कौन रहा है, ये सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा आपको, बस आप क्लास में बने रहें, जीवा स्टडी के साथ बने रहें। फिर आती है धारा 25, धारा 25 क्या कहती है, अपने पास थोड़ा सा टेबलेट है, इस कारण आपको लग सकता है कि राइटिंग सही नहीं आ रही, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, ठीक है। धारा 25 कहती है वेतन और भत्ते, ठीक है, वेतन और भत्ते, वेतन भत्ते में क्या होता है आपको पता ही है, कुछ ज्यादा नहीं है, जो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य और अध्यक्ष हैं इनका जो है वेतन और भत्ते और जो सेवा शर्तें हैं, ठीक है, सेवा शर्तें, इनका निर्धारण कौन करता है, राज्य सरकार करती है, ठीक है, राज्य सरकार, ये तो एकदम थोड़ा सा इजी आपको बताइए, राज्य सरकार का आयोग है तो राज्य सरकार ही क्या करेगी इसमें सब कुछ डिसाइड करेगी। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि जो वेतन और भत्ते हैं ना, इनमें कार्यकाल के दौरान क्या नहीं हो सकता, एक मिनट, कार्यकाल के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने मतलब कार्यकाल के बीच में ही ऐसा बोल दिया कि यार हम तो इनका क्या है 5,000-10,000 वेतन कम करते हैं या फिर भत्ते में कुछ परसेंटेज कम करते हैं, तो वो क्या परिवर्तन आप नहीं कर सकते कार्यकाल के दौरान, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, कार्यकाल के दौरान कोई भी अलाभकारी परिवर्तन आप नहीं कर सकते, और सारा का सारा जो डिसाइड करेगी वेतन भत्ते कौन करेगी, राज्य सरकार, राज्य सरकार का जो संचित निधि कोष होता है उस पर भारित होता है इसके वेतन और भत्ते। एक दो धारा 24 है उसमें एक चीज हमने भूल गए, हम वो भी बता देता हूं मैं आपको कि इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष का भी प्रावधान होता है, ठीक है, कार्यवाहक अध्यक्ष
अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष भी धारा 24 में आता है। और आपको पता है कार्यवाहक अध्यक्ष में क्या होता है कि मान लो कि अध्यक्ष है उनकी मृत्यु या फिर पद से इस्तीफा त्याग पत्र अनुपस्थिति के कारण जो है राष्ट्र जो राज्यपाल है वही क्या करता है, राज्यपाल है सदस्यों में से ही एक को निर्वाचित करता है, क्या सदस्यों में से ही एक को क्या करता है कार्यवाहक अध्यक्ष बनाता है। एक नॉर्मल बात है आपको पता ही होती है जो अपन राष्ट्रपति वगैरह पढ़ रखा है उसमें आती है। और धारा 25 में वेतन भत्ते जो राज्य सरकार के संचित निधि कोष पर क्या होते हैं भारित होते हैं और राज्य सरकार ही सेवा शर्तों और वेतन भत्तों का क्या करती है निर्धारित करती है। और कार्यकाल के दौरान किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन आप वेतन भत्तों में नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब है कि आयोग की कार्य क्या होते हैं, आयोग की कार्य प्रणाली क्या होती है, आयोग के पास क्या अधिकार होते हैं, आयोग की क्या भूमिका होती है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे अलग से। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ धारा जो एक और है इंपॉर्टेंट धारा, धारा नंबर 28, ठीक है। जो कार्य है आयोग की कार्य प्रणाली, आयोग के अधिकार क्षेत्र हैं, जांच में उठाए गए कदम है, वो सारे हम क्या अगले वीडियो में कवर करेंगे अगली क्लास में, क्योंकि वो थोड़ा पूरा का पूरा चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। तो एक जो इंपॉर्टेंट धारा आती है उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वो है धारा 28। धारा 28 में क्या होता है जो है धारा 28, एक मिनट, धारा 28, धारा 28 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि धारा 28 में आती है आयोग की रिपोर्ट। जितने भी आयोग होते हैं ना वो अपनी रिपोर्ट देते हैं, आयोग की रिपोर्ट। अब आप बोलोगे कि आयोग की रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो सकती है, तो देखो कई जो होते हैं ना कई आयोग क्या करते हैं राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट देते हैं, भले ही वो राज्य सरकार के आयोग हो, ठीक है। कई क्या करते हैं राज्य सरकार को देते हैं, कई क्या देते हैं अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देते हैं, कई ऐसे होते हैं जो राज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देते हैं। तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है, कल को क्वेश्चन आ जाएगी राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, और ऑप्शन में आपको मान लो कि एक तो दे दे राष्ट्रपति, एक दे दे राज्य सरकार, एक दे दे राज्यपाल, और एक दे दे मान लो कि विधानसभा, ठीक है, या फिर ऑप्शन में आपको दे दे कि मुख्यमंत्री। तो फिर आपको क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग किसको राज्य सरकार को सौंपता होगा, आप तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जानना जरूरी है क्योंकि कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और कुछ आयोग ऐसे होते हैं जो राज्यपाल को, कुछ राज्य सरकार को भी सौंपते हैं और कुछ राज्य विधानसभा को भी सौंपते हैं। तो जो राज्य मानव अधिकार आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, एक मिनट, तो राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपता है, ध्यान रखना। राज्य मानवाधिकार आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको, राज्य सरकार को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ऐसा मत सोच लेना कि राज्यपाल को सौंपता है, किसको, राज्य सरकार को। और जो राज्य सरकार है वो इसको कहां पर रखती है, विधानसभा में। इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो कि राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, राज्य सरकार को, राज्यपाल को नहीं, किसको, राज्य सरकार को। और राज्य सरकार फिर इसको क्या करती है, विधानसभा के समक्ष क्या करती है, प्रस्तुत करती है, ठीक है, समझ में आ गया आपके। जैसे आरपीएससी वगैरह है उनका अलग रूल होता है, वो जरूरी नहीं है वो आरपीएससी राज्य सरकार को नहीं सौंपती है, ठीक है। और इस प्रतिवेदन में मतलब आयोग द्वारा जो भी जो रिपोर्ट होती है उसमें क्या किया जाता है कि पिछले एक साल में जो है आयोग ने क्या क्या कदम उठाए, ठीक है, और राज्य सरकार ने जो आयोग की सिफारिशें थी उन पर क्या कदम उठाए। मान लो कि कहीं पर मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आयोग ने राज्य सरकार को कुछ मतलब सुझाव दिए या फिर कुछ मतलब जांच या फिर कुछ और चीज करने के लिए क्या किया, मतलब लिखित में कुछ लिखा, तो राज्य सरकार ने उसमें मतलब क्या किया, वो भी राज्य सरकार क्या करती है, विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हमने क्या डिटेल से जान लिया। अब अपने पास क्या बचता है, एक तो क्या है जो राज्य लोक सेवा आयोग, सॉरी राज्य मानवाधिकार आयोग है उसके कार्य बचे हैं, ठीक है, और एक है उनकी भूमिका क्या होती है। एक जो सबसे मेन आता है वो अध्यक्ष प्लस जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल सबसे ज्यादा कौन रहा है, आज तक कितने अध्यक्ष रह चुके हैं, कितने कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं जो ये मतलब आपको लगते हैं ना ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है क्या, वो पॉलिटिकल साइंस में सबसे यानी पॉलिटी में सबसे ज्यादा सेकेंड ग्रेड में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सदस्यों तक का क्या पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, तो वो आपको ध्यान होना जरूरी है। और वो हम क्या है अगले वीडियो में अलग से कवर कर लेंगे, अगले वीडियो में हम कार्य वगैरह देखेंगे और उससे अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे जो अध्यक्ष वगैरह इनका कार्यकाल इनका क्रम और ये सब देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, हाँ क्लास छोटी जरूर हो सकती है लेकिन जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी वो एकदम सही तरीके से पढ़ाई जाएगी। आज का पूरा वापस देख लेते हैं एक बार, हमने धारा 24 से स्टार्ट किया था, धारा 24 में आता है कार्यकाल,
कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु होती है अध्यक्ष या सदस्य दोनों का, ठीक है। ये 2019 से लागू है। 2019 से पहले क्या होता था, 5 वर्ष या 70 वर्ष का कार्यकाल होता था। 70 वर्ष मतलब जब 70 वर्ष की आयु पहले हो जाए तो, ठीक है। 2019 से पुनर्नियुक्ति का भी अधिकार दे दिया गया, लेकिन 2019 से पहले पुनर्नियुक्ति का अधिकार नहीं था, ठीक। फिर आती है धारा 24, ठीक है, जो हम पढ़ रहे थे वही है। धारा 24 में पुनर्नियुक्ति है, मैंने आपको बता दिया पुनर्नियुक्ति जरूर है, लेकिन जो अध्यक्ष और सदस्य अपने त्याग पत्र या फिर कार्यकाल पूरा होने के बाद में राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, ठीक है। मान लो कि पुनर्नियुक्त हो सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई लाभ का पद धारण आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और एक धारा 24 में आता है कार्यवाहक अध्यक्ष का जो एक कॉन्सेप्ट आता है, उसमें आपको बताइए कि अगर अध्यक्ष त्याग पत्र देता है, अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, अध्यक्ष अनुपस्थित होता है, तो राज्यपाल सदस्यों में से ही किसी एक को क्या कर देता है, कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। तो अब एक बात बताओ आप कि कार्यवाहक अध्यक्ष मतलब हर किसी को थोड़ी ना कर देता है, ठीक है, हर किसी को नहीं कर देता, लेकिन वैसे रूल नहीं होता है। कार्यवाहक अध्यक्ष सदस्यों में 2 सदस्य हैं तो किसी को भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में मतलब जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको क्या कराया जाता है, नियुक्त किया जाता है, ठीक है। फिर अपने पढ़ी धारा 25। धारा 25 में क्या है, वेतन भत्ते। वेतन भत्ते में आपको पता है सेवा शर्तें और वेतन भत्ते राज्य सरकार निर्धारित करती है, और कार्यकाल के दौरान इनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन यानी कम नहीं किया जा सकता है इनको, ठीक है। बढ़ा जरूर दिया जा सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो इनका वेतन और भत्ते हैं वो किस पर, संचित निधि कोष पर, जो राज्य का संचित निधि कोष है उस पर भारित होते हैं, ठीक है, राज्य का संचित निधि कोष, ठीक। यह हो गया, आपके समझ में आ गया। फिर है धारा 28, जो एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आयोग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपता है, तो जो आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य सरकार को सौंपता है, ना कि राज्यपाल को, ठीक है, ध्यान रखना, राज्य सरकार को सौंपता है। और विधानसभा में क्या, फिर राज्य सरकार इसको प्रस्तुत करती है, और इस रिपोर्ट में क्या होता है आपको बता दूं कि जो पिछले वर्ष मतलब एक वर्ष जो है पिछला, उसमें जो है आयोग ने जो सिफारिशें की थी, या फिर जो सुझाव दिए थे उन पर राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया, राज्य सरकार का एक्शन, या फिर जो भी कदम उठाए हैं राज्य सरकार ने उनसे रिलेटेड, वो सारा हम क्या कर उनको रिपोर्ट में लिखा होता है। तो ये होता है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अपने पास टेबलेट है तो थोड़ा राइटिंग को आप एडजस्ट कर सकते हो। धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ।